फ्रेंड्स वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। आज का टॉपिक जो आपकी डिमांड थी उसी से रिलेटेड है कि प्रवक्ता का इंटरव्यू हम कैसे दें, उसमें क्या क्या होता है। एक वीडियो मैंने प्रवक्ता अंग्रेजी में जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे इंटरव्यू में वेरिफिकेशन के लिए वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो वीडियो को आगे बढ़ाएँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो 2020 में दिया था, तो करंटली जो इंटरव्यू बोर्ड ने कंडक्ट कराया था तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और जो मेरे मार्क्स थे वो भी 43 मार्क्स थे 50 में। और उस समय TGT में भी इंटरव्यू था तो मेरे TGT में भी 39.33 आउट ऑफ 50 मेरे मार्क्स थे। इससे पहले मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट टीचर के रूप में काम करता था। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ सोभित अग्रवाल सेकंड हाईएस्ट TGT में रहा हूँ मैं रिटर्न में, और PGT में 19th रैंक। आई एम करंटली वर्किंग एज ए लेक्चरर ऑफ इंग्लिश इन मुरली मनोहर इंटर कॉलेज इसपोटील डिस्ट्रिक्ट शामली। और TGT 2013 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था लेकिन वो मेरा वेटिंग में हुआ था, इस वजह से मैं 2016 के एग्ज़ाम में बैठा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है PGT के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो मेरी सफलता रही है वही मैं सब आपके साथ शेयर करता हूं। तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को, जो भी सभी देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए, जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो सबसे पहले तो हमें COVID-19 प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है, मास्क और सैनिटाइजेशन की आपके साथ रहना चाहिए बॉटल, और मास्क भी ज़रूर आपको पहनना है। और आप कोविड, अब हो सकता है कि फ्यूचर में कोविड का जो आपने वैक्सीनेशन अगर नहीं कराया है तो वो करा लें, उसका भी सर्टिफिकेट अपने साथ ज़रूर रखें। मास्क ज़रूर पहने और उसका सर्टिफिकेट जो कोविड की आपने वैक्सीन लगवाई है वो ज़रूर अपने साथ रखें। देखिए, सबसे पहले जो वहाँ पर जब आप एंट्री करते हो तो सबसे पहले वे आपसे वेरिफिकेशन के लिए आपसे आईडी मांगेंगे, तो आप अपनी आईडी अपने पास रखना ज़रूर। एक आपके पास इंटरव्यू लेटर जो होगा वो अपने पास रखना, उसकी फ़ोटोकॉपी, अपने डॉक्यूमेंट्स के लगभग 3 सेट बना के अपने पास तैयार रखना। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर इसके बाद आप वहाँ पर एक हॉल है, वहाँ पर आपको बैठा दिया जाता है, आपको एक नंबरिंग दी जाती है कि इस नंबर से लेकर इस नंबर तक के कैंडिडेट आएँ, तो आपका वहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। वहीं पर कंप्यूटर रहता है, वहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक होंगे वहीं पर। फिर इसके ऊपर के फ्लोर पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक कोड अलॉट होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका रूम कौन सा आपको अलॉट हुआ है। तो कोड अलॉट होगा और रूम भी अलॉट होगा, ध्यान रखना कि आपको इस नंबर पे जाना है, ये आपको पता चल जाएगा। कोड ज़रूर अलॉट होगा, इस कोड को कॉन्फिडेंशियल कोड होता है ये, ताकि जो बोर्ड मेंबर हैं वो एक पहचान ना कर सकें, कि बोर्ड के मेंबर को नहीं पता चले कि ये कैंडिडेट कौन है। फिर आपको रूम पता चल जाएगा कि इस रूम में आपको जाना है। फिर इसके बाद जो आपकी एंट्री होगी, ध्यान रखना आपकी एंट्री पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल इस एक तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, गर्दन को झुका के रखना है, सामने नज़र रखनी है, बिल्कुल एंट्री पॉजिटिव रहनी है।
पॉजिटिव ही आपको माइंड सेट रखना है अपना। कोई भी घबराहट है उसे बाहर निकाल देना बिल्कुल, क्योंकि पॉजिटिव माइंड सेट के द्वारा आपका आधा काम तो आसान हो ही जाता है। देखिए बोर्ड में क्या होता है, वहाँ पर एक मेंबर होगा, जो बोर्ड ऑफिस है उसमें मेंबर की कमेटी होती है, उसमें एक मेंबर होगा और दो सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट होंगे, दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट जो होगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और जो बोर्ड मेंबर होगा वो जर्नल GSGK, जर्नल GAGK, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। आगे मैं और आपको बता रहा हूँ कि आपको इंटरव्यू में कैसे तैयारी करके जाना है। अपने जो आपने MA का जो आपके सामने आपका सिलेबस था, वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपने MA कब की थी। तो MA का जो सिलेबस है, MA का सिलेबस जो था उसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। तैयार का मतलब ये नहीं कि आपको सारा पढ़ना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि MA में कौन कौन सी बुक आपके पास थी। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि MA का जो भी बुक है आपकी, वे सब आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी बुक है। मैंने बता ही दिया कि दो एक्सपर्ट रहेंगे और एक सब्जेक्ट सर सॉरी एक बोर्ड मेंबर। फिर इसके बाद जो एक्सपर्ट होंगे वो कहेंगे आपसे कि आपने क्या कोई टॉपिक तैयार किया है, वे कहेंगे कि क्या कोई टॉपिक तैयार किया है आपने। तो बोर्ड मेंबर तो आपको एक टॉपिक तैयार करके ले जाना है, जो भी आपके सिलेबस में कोई भी राइटर है या फिर कुछ भी है जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो एक टॉपिक आप बहुत अच्छे से तैयार। वैसे तो आपको जो आपका सिलेबस है थोड़ा थोड़ा सारा ही गो थ्रू करना है, सारा पढ़ना है, लेकिन एक स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो आपको तैयार करना है। देखिए 99% चांसेस होते हैं कि वो आपसे पूछेगा कि कौन सा टॉपिक आपने तैयार करना है। देखिए बोर्ड मेंबर ने मेरे साथ कैसा खेल खेला था, मैं भी तैयार करके गया था टॉपिक, तो मुझे बोर्ड मेंबर ने कहा कि पता नहीं उसके अंदर सनक थी या क्या था, वो कहने लगा था कि आपने सिर्फ यही टॉपिक तैयार किया है, क्या आप बच्चों को सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाओगे। तो उस समय मैं चुप हो गया, हालांकि मैं सब कुछ पढ़ के गया था। तो मैंने जैसे इंग्लिश लिटरेचर में मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ तैयार करके गया था, उसकी एक पोएम थी द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, वो तैयार करके गया था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स एकदम से पूछ लिया कि आपने क्या यही तैयार किया है। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने फिर कहा नहीं सर, मैं जॉन मिल्टन भी आपको बता सकता हूँ। तो फिर मैंने जॉन मिल्टन की बायोग्राफी एक्सप्लेन करनी स्टार्ट की थी, तो वे सेटिस्फाइड हो गए थे। हालांकि इस तरीके का जो कंडीशन है वो 99, ध्यान रखना 99.99% नहीं होती, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा केस हुआ, अदरवाइज़ वो आपसे जो आपने टॉपिक तैयार किया है उसी से ही पूछते हैं। अब ध्यान रखना, इससे पहले जो बोर्ड में होते थे इंटरव्यू, जो बोर्ड में इंटरव्यू होते थे उसमें सिर्फ ओरल इंटरव्यू होता था इससे पहले, लेकिन अब वाइट बोर्ड भी बोर्ड ने इंट्रोड्यूस करा दिया है। वाइट बोर्ड याद रखना, वहाँ पर एक आपको वाइट बोर्ड मिलेगा, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस वाइट बोर्ड पर भी कर लेना। जो आपने टॉपिक आपने तैयार किया है तो वो आपसे एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं कि वाइट बोर्ड पर भी आप एक्सप्लेन करके हमें बताइए। जैसे मैंने बताया जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं तो वो तो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जो बोर्ड मेंबर होगा वो आपसे पूछेगा जर्नल क्वेश्चन। जैसे मेरे से पूछा था कि नेशनल एंथम पर आप कोई स्पीच देनी है, तो नेशनल एंथम पर आप स्पीच देके बताइए। या जब मैंने 2013 TGT का इंटरव्यू दिया था उसमें पूछा था कि यूपी में कितने मंडल हैं, सहारनपुर की कौन सी फेमस चीज़ है, इस तरीके की नॉर्मल सी चीज़ें उन्होंने मेरे से पूछी थी कि छत्तीसगढ़ और
छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ है, तो ये जर्नल से क्वेश्चन पूछे थे। हालांकि ये सब चीज़ें आपको पता ही रहती हैं जो तैयारी कर रहे हैं हम सब। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। वे ज़रूर पूछेंगे आपका, आप कर क्या रहे हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आप इस समय क्या कर रहे हो। अगर आप यंग एज के हो तो ध्यान रखना आपको अनएम्प्लॉयड ही बताना है, आपको अनएम्प्लॉयड बताना है कि करेंटली आई एम स्ट्रगलिंग फॉर जॉब। तो मैं स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ जॉब के लिए, अनएम्प्लॉयड आपको बताना है अगर आप यंग एज के हैं। अगर आप ज़्यादा आपकी एज है, क्योंकि आप फिर उस समय अनएम्प्लॉयड अपने आप को नहीं बता सकते, तो आप अपने आप को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के न बताना। आप बता देना कि मैं TGT लेवल पे पढ़ा रहा हूँ फला फला इंटर कॉलेज में, या कहीं पर भी अगर हो सके तो ये आप बता देना कि मैं प्राइवेट कहीं पर टीचिंग कर रहा हूँ इस समय। तो वो थोड़ा बहुत आप, क्योंकि अगर आप इस समय डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हो, मानने की बात है अगर आप डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हो और आपने बता दिया मैं इस समय डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो उनके क्वेश्चन पुटअप करने का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, फिर आप पजल हो जाओगे। ध्यान रखना अपने आप को, अगर आप डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो इंटर कॉलेज ही बताना, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल नहीं बताना। अगर आप सर्विस में भी हो, गवर्नमेंट सर्विस में, जैसे कि मैं पहले असिस्टेंट टीचर था प्राइमरी में, तो मैंने फिर भी उन्हें अनएम्प्लॉयड ही बताया। हालांकि इसे एथिक्स के रूप में, मॉरलिटी के रूप में इसे गलत कहा जा सकता है, लेकिन एक जॉब अगर आपको प्राप्त करनी है तो थोड़ा सा आपको अपने आप को एडजस्ट एडेप्ट करना ही पड़ता है। अब इंग्लिश लिटरेचर वाले कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में ही होगा। जी हाँ, इंटरव्यू जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। हालांकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल रहेगा क्योंकि आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आपसे सपोज़ किया जाता है कि आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करें। अब बात आती है, देखिए अब की गवर्नमेंट और पहले की गवर्नमेंट, हालांकि मैं गवर्नमेंट में किसी भी पार्टीबाजी में कोई विश्वास नहीं करता, मैं ना ही कई पक्षपात की बात करता हूँ। SP की गवर्नमेंट में, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, मैं गवर्नमेंट को नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि 2013 वाले में जो मेरा इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन मेरे मार्क्स थे 31 और मैं उस समय 0.7 से मेरा रहा था। अब आप समझ सकते हैं 0.7 से मेरा रहा था, 31 मेरे मार्क्स थे, इंटरव्यू बहुत ही सॉलिड गया था मेरा। पैसे मैंने जब भी नहीं दिए थे, पैसे की तो खैर पर बात ही नहीं करता, पैसे मुझे पता भी नहीं चलते हैं नहीं चलते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि चलते हैं, बहुत से लोग कहते हैं नहीं चलते हैं, मैं तो ईमानदारी पर विश्वास करता हूँ। तो मेरे उस समय 31 मार्क्स थे इंटरव्यू में, और इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, 0.7 से मेरा रह गया था। हालांकि बाद में मेरा वेटिंग क्लियर हो के मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, मैं उस समय नहीं गया था फिर, क्योंकि मेरा 2016 में भी हो गया था। फिर इसी तरह 2016 वाले एग्ज़ाम में भी मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, उसमें मेरे 39.33 तो TGT में थे और PGT में थे 43, PGT में मेरे 43 मार्क्स थे। अब चूंकि मैं बेसिक में था तो मैं अपने आप को सिक्योर मान रहा था, मुझे ना ही किसी की सिफारिश चाहिए थी ना ही कोई अप्रोच चाहिए थी, तो मैंने अपने आप से ही तैयारी की। जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इस सब चीज़ें मैंने की और जो मैंने फील किया था, ये सब चीज़ें जो है, इस एक्सपीरियंस जो है, मैंने अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर किया है और बिल्कुल ईमानदारी के साथ किया है। अगर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक पूछे जा सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, उससे रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में यस इंग्लिश लिटरेचर लिख के आप कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में एक जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो मैंने एक और वीडियो डाली हुई है, वो भी आप एक बार देख लें, शायद वो भी हेल्पफुल आपके लिए हो जाए। फिर से वही मेरी एक रिक्वेस्ट, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड होंगे, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो को
बनाने का। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय।